शो ऑफ वाली बहू। नेहा के शौक बड़े निराले थे, दिखावा और शो ऑफ उस पर भरा पड़ा था। एक दिन, अरे रीमा, ये क्या, कैसा स्वेटर पहना है, सिलाई कितनी मोटी है। मेरी माँ ने बनाया है ये स्वेटर, देखो इतनी सर्दी है लेकिन मुझे पसीने आ रहे हैं। ओ यार, आज के जमाने में कौन पहनता है माँ के हाथ का स्वेटर। अरे मैं तो कहती हूँ आज के समय में माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए। देख मेरा स्वेटर देख। हाँ, आज ऑफिस में सारे तेरा ही स्वेटर देख रहे थे। वही तो, ऐसी चीज पहनो कि दुनिया देखे। और बात भी कर रहे थे कि न जाने कैसे इतने पतले स्वेटर में सर्दी रोकी होगी बेचारी ने। बात भी सही थी, फैशन के नाम पर बेचारी नेहा सारा दिन कड़कड़ाती ही रह गई। नेहा की शौफ और खुद को फिट रखने की आदत उसकी कमाई से भी ज्यादा महंगी थी। ये लीजिए मैडम, इसे लेने के लिए तो आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3,000 में ये आपको पूरे 6 महीने तक साफ और गोरी निखरी त्वचा देगा। देखिए, दिखाया ना सैंपल मैंने आपको। हाँ लेकिन थोड़ा महंगा है, पर चलिए इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, दे दीजिए। नेहा महंगी क्रीम लगाकर ऑफिस जाती है और सोचती है कि वो बहुत सुंदर लग रही है कि तभी वहाँ मनीष आ जाता है। हाय नेहा, हाय रीमा, क्या हाल है तुम दोनों के? अरे यार रीमा, तेरा चेहरा तो चमकता रहता है, जरा मुझे और नेहा को भी टिप्स दे दे। ओ कम ऑन, मेरा नाम मत लो, देखो आज मैं कितनी गोरी और चमकीली लग रही हूँ। कितनी पुती पताई सी शक्ल लग रही है तेरी, लग रहा है मानो कितनी क्रीम की लेयर लगा रखी है। यार रीमा, इसे नहीं सुनना पर मुझे तो बता दे। अरे कुछ नहीं, बस रोज अच्छे से चेहरे को धोकर दूध वाली मलाई लगा लो चेहरे पर, खूब फ्रूट्स खाओ और पानी जम कर पियो, देखो चेहरा कैसे खिलता है। हाँ, फ्रूट्स के रेट्स देख रही हो ना, कैसे आसमान छू रहे हैं। वैसे जो तूने क्रीम लगाई है ना, उसके लिए भी तो कुछ पैसे खर्च ही होंगे, कोई फायदा नहीं हुआ उससे। अरे उसी रेट में फ्रूट्स तो आ ही जाते। ये बोलकर मनीष वहां से निकल जाता है, लेकिन नेहा का मुंह लटक जाता है। अरे नेहा, तू भी ना उसकी बात का बुरा मान रही है, आखिर बॉयज क्या जाने गर्ल्स का फैशन। अरे नॉट एट ऑल, उस बेवकूफ की बात का बुरा मैं क्यों मानूं? मैं जानती हूँ कि हाई क्लास को समझना उसकी बस की बात नहीं है। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अब सैलरी आते ही नेहा महंगे पर्स, महंगी चप्पलें और महंगे कपड़ों पर पैसे लुटा देती है और महीने के आखिर तक लोगों से उधार लेने की नौबत आ जाती है। यार रीमा, कुछ पैसे उधार देना, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। हाँ हाँ ले ले नेहा, पर वक्त से वापस कर देना, क्योंकि ये मैं तुझे सेविंग्स दे रही हूँ और तू जानती है ना इसका इंटरेस्ट कितना आता है। सेविंग का इंटरेस्ट? नहीं यार मैं नहीं जानती कितना आता है। ओह अच्छा, छोड़ ना, चल ये पैसे रख। नेहा का समय ठीक से गुजर जाता है, लेकिन अगले महीने सैलरी आने पर, नेहा यार वो पैसे जो मैंने दिए थे वो लौटा देना, मुझे भी कोई काम है। अरे यार इस बार ना मैंने गुच्ची की घड़ी ले ली है, अगले महीने पक्का। अगले महीने फिर नेहा से रीमा पैसे मांगती और फिर वो कोई खर्चा गिना देती। एक बार रीमा मनीष से कहती है, यार बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन नेहा ने 3 महीने पहले पैसे लिए थे कि 1 महीने में वापस कर देगी, लेकिन अभी तक नहीं दिए। रुक मैं कुछ करता हूँ। अरे देख कहीं उसके घर तक बात ना जाए, वरना सास और पति के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा। वहीं नेहा घर पर, सासू माँ आज खाने में मैंने ब्रोकली और ब्राउन राइस बनाए हैं। अरे बेटा ये सब मैं नहीं खा पाती हूँ, तू तो बस सिंपल रोटी दाल ही दे दे। हाँ नेहा, क्या ये तुम रोज रोज खिलाती हो, हमें इसका टेस्ट पसंद नहीं है। अरे लेकिन यही ट्रेंड में चल रहा है। क्या करते बेचारे माँ बेटे, नेहा की आदत से वो भी परेशान थे। अगले दिन नेहा ऑफिस आती है तो मनीष वहां आता है। अरे यार मनीष, ये क्या है तेरे हाथ में? बैग है पराड़ा का, आई होप तूने सुना होगा,
यार, ऑफ कोर्स। और ये वाला तो 20,000 का है ना, मैंने ऑनलाइन देखा था। लेकिन ये सिर्फ 10,000 का है, क्योंकि मैंने इसे अमेरिका से मंगवाया है अपनी बेबी के लिए। मेरी बहन रहती है ना वहाँ, तुम तो जानती हो इंडियन करेंसी और डॉलर के बीच का अंतर। हाँ हाँ बिल्कुल यार, मेरे लिए भी मंगवा देना। अब देख यार, तुझे चाहिए तो तू रख सकती है, क्योंकि मेरी बीवी को स्टाइल कम पसंद आया था और वो इतने महंगे बैग लेने में विश्वास नहीं करती। उसका मानना है कि 10,000 का बैग खरीद कर 1,000 रुपए रखने से अच्छा है कि 1,000 रुपए का बैग खरीदे और 9,000 उसके अंदर रखे। हो, उसे फैशन का पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये लो 10,000 और ये बैग मेरा। मनीष नेहा को बैग दे देता है और सीधा रीमा के पास जाता है। रीमा, ये ले तेरे पैसे जो तूने नेहा को दिए थे। अरे थैंक्स यार, लेकिन तू ये कैसे लेकर आया? मैंने लोकल बाजार से एक बड़े ब्रांड के जैसा दिखने वाला बैग खरीदा 200 रुपए में, और अमेरिका और ब्रांड के नाम पर नेहा को दे दिया। ऐसे तो वो तेरे पैसे वापस नहीं करती। फिर क्या था, रीमा और